अनइंप्लॉयमेंट सर आज कश्मीर में 7.2% है, ऑल इंडिया पूरे भारत में ज्यादा अनइंप्लॉयमेंट है, तो 370 निकाल के आपने क्या किया सर? एक शैतान को क्रिएट कर दिया आपने, जेकेआईडीसी को, और जमीन किसी की भी ली जा सकती है, पुलिस साथ रहेगी, और उसके फैसले को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा, और कश्मीर की जामा मस्जिद को क्यों नहीं खोलते सर आप? खोलिए ना जामा मस्जिद को, आने दीजिए। आपने जर्नलिस्ट महाज शाह को पकड़ लिया, क्यों पकड़ा आपने? एक नहीं दो दो यूएफए केसेस लगा दिए। आप बोलते हैं हम दिल और दिमाग को जीतना चाहते हैं, और कहां दिल और दिमाग को जीत रहे हैं आप? सर मैं यहां पर ये बात साफ और वाज़े तौर पर कहना चाहूँगा कि आरटीआई के एप्लीकेशन में यह कहा गया जवाब में कि 30 साल में 1724 मिलिटेंट्स को हुकूमत और फौज ने, पुलिस ने उनको मारा, मिलिटेंट्स को, या उनकी मौत हुई, जिसमें से सिर्फ 89 कश्मीरी पंडित का कत्ल हुआ। और सर 30 साल में एक ही आदमी का, और सर हैरत की बात यह है कि कश्मीरी पंडित के ताल्लुक से बड़े गम और आंसू बहाए जाते हैं, मगर 30 साल में एक ही आदमी को कोर्ट ने उसको सजा दी, और विटनेस कौन था? कश्मीरी मुसलमान हरदनाथ वंचू के कत्ल के केस में। मैं सरकार से मुतालबा करता हूं कि एक आज़ादना कमीशन को फौरन बनाया जाए ताकि सच्चाई और हकीकत सामने आ जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और हैरत अफसोस इस बात का है कि 1500 नॉन पंडित हिंदुओं का भी कत्ल हुआ मिलिटेंट्स की तरफ से, मगर उनके बारे में कोई आंसू नहीं बहाया जाता, उनके बारे में कोई पिक्चर नहीं बनती अपनी जेब गर्म करने के लिए। सर दूसरी बात यह है कि जो बात यहां पर सरकार की तरफ से कही गई कि जो डिलिमिटेशन हुआ असेंबली और पार्लिमानी हलकों की, जो हदबंदी की गई, वो बड़ा ही साफ सुथरे तरीके से किया गया। कितना साफ सुथरा था देखिए सर, अनंतनाग को उन्होंने मिला दिया पूंछ और राजौरी से, इतना साफ सुथरा था कि साउथ कश्मीर एक ऐसा इलाका है जो कंप्लीट एथनिकली कश्मीरी है, वहां से आप उसको मिला दिए पूंछ और राजौरी में। अगर दिसंबर में इंतखाबात होंगे तो मगल रोड तो बंद होगी, तो किसी को आना है तो डोडा उधमपुर जम्मू पूंछ से उसको आना पड़ेगा, कितने डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करेंगे, ये आपका साफ सुथरा मजाहरा है। तीसरी बात यह है कि सर मैं मोहतरमा फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा जब जवाब देंगे वो उस ऐवान के जरिए पूरे मुल्क को बता दें कि आपने दफा 370 को, आर्टिकल 370 को हटाने के बाद आपने कहा था कि हर मर्ज का इलाज हो जाएगा, मर्ज का इलाज नहीं हुआ, मर्ज बढ़ गया, जो मर्ज नहीं था पहले वो मर्ज बढ़ चुका है। मैं आपके जरिए से मोहतरमा फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा से जानना चाहूंगा कि इस ऐवान पर आप रख दें कि कितना एक पैसा इन्वेस्ट हुआ नहीं हुआ। एमओयू की बात मत करिए, कागजात तो बहुत निकलेंगे मगर एमओयू नहीं, बल्कि एक पैसा कितना आपने इन्वेस्ट कश्मीर में करवाया। दूसरी बात यह है सर, एक तरफ सरकार बोलती है हम प्राइवेटाइज करेंगे पूरे मुल्क में एलआईसी और सब चीज, मगर यहां पर हॉर्टिकल्चर को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बना दिया गया, जो कश्मीरी अपना सेब बेचता था आप उसको कह रहे हैं नहीं अब हम पीएसयू बना दिए, यह आपका साफ सुथरा और आपकी राह दिखाता है। पावर आपका बरखी का, आपने उसको सेंट्रल पीएसयू से जोड़ दिया। तीसरी बात यह सर, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी है क्या फिर कश्मीर के लिए? यहां पर एक पॉलिसी, वहां पर एक पॉलिसी, कौन सी कंटिन्यूएशन है? आप तो यहां पर एक अपना रहे, वहां पर अलग रुख अपना रहे, इसमें कोई इंटीग्रेशन नहीं है। सर फार्मा ट्रेडर्स, फार्मा ट्रेडर्स पर धावे हो गए, रेट पड़ गया, जो सप्लायर्स है उन पर रेट पड़ गया, टोल पोस्ट खत्म कर दिया आपने, 114 राइस मिल बंद करने के दहाने पर आ गए, इसका जवाब नहीं है सही है गलत है। अच्छा सर फिर आप देखिए कि एक और बात मैं आपके आपके गोशे गुजार करना चाह रहा हूं कि इकोनॉमिक डिपेंडेंस आप इतना कर दे रहे कश्मीरियों के ऊपर, यानी आप कल ये बताएंगे, मैं खत्म कर रहा हूं सर, मैं कल आप ये बताएंगे कि नहीं नहीं हमने तो इतना पैसा दिया था। सर कि आप ये इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है आपकी? और
अनएम्प्लॉयमेंट कितना है सर कश्मीर में आज? अनएम्प्लॉयमेंट सर आज कश्मीर में 7.2% है। ऑल इंडिया पूरे भारत में ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो 370 निकाल के आपने क्या किया सर? अनएम्प्लॉयमेंट वहां और बढ़ गया। अच्छा सर ये और एक बात आपसे कर रहा हूं, जेके आईडीसी सर, ये जेके आईडीसी ऐसा आपने एक 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 शैतान को बना दिया आपने, वहां पर एक शैतान को क्रिएट कर दिया आपने जेके आईडीसी को। और जमीन किसी की भी ली जा सकती है, पुलिस साथ रहेगी और उसके फैसले को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। ये जमहूरियत है ना, जमहूरियत में गलत फैसला को कोर्ट में चैलेंज करेंगे, माने जमीन किसकी भी ले लेंगे, पुलिस को ऑफिसर साथ देंगे। तो इसीलिए सर हम ये कहना चाह रहे हैं कि हर एतबार से आपने वहां पर कोई गलत पॉलिसी की, और अखलाकी तौर पर आईनी तौर पर कन्वेंशन जो है ये बजट को यहां नहीं डिबेट करना चाहिए, इस बजट को तो वहां के मुंतखब शुदा अवामी नुमाइंदों को बहस करनी चाहिए। यहां पार्लियामेंट में बैठकर हम एक जम्मू का कश्मीर का कैसे बजट पास करेंगे, तो गैर अखलाकी बात है, कन्वेंशन के खिलाफ है। और इसको बताता है कि आपका मंशा और मकसद क्या है कि आप यहां पर कठपुतली की तरह कंट्रोल करना चाह रहे हैं। और क्या कश्मीर में मिलिटेंट्स एक्टिविटी नहीं, मर लोग नहीं मर रहे हैं वहां पर, सिविलियन कैजुअल्टीज नहीं हो रही, बराबर हो रही है वहां पर? तो इसीलिए सर हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप इन हालात को, इतने खत्म कर रहा हूं सर, इन हालात को देखिए। और कश्मीर की जामा मस्जिद को क्यों नहीं खोलते सर? आप खोलिए ना जामा मस्जिद को, आने दीजिए। आपने जर्नलिस्ट फहाद शाह को पकड़ लिया, क्यों पकड़ा आपने? एक नहीं दो दो यूएपीए केसेस लगा दिए। आप बोलते हैं हम दिल और दिमाग को जीतना चाहते हैं, आप कहां दिल और दिमाग को जीत रहे हैं? आप तो वहां पर अपने जोर और जबर की बुनियाद पर जमहूरी तरीके से जो आवाजें उठ रही उनको दबा रहे हैं आप। मैं इसकी मजम्मत करता हूं सर, और मैं इस बजट के खिलाफ अपने खड़ा हूं बोलने के लिए। आपका बेहद शुक्रिया।